कोहली और धोनी की दोस्ती में है इतनी मिठास, कोहली और धोनी की दोस्ती में है इतनी मिठास कि आई एम श्योर उसके आगे आपको सारी दुनिया लगेगी बकवास। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए आप जानते हैं अभी T20 वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है जिसमें विराट के जो फॉर्म है वो इतना शानदार है कि मुझे कुछ आगे बोलने की देखिए जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये फॉर्म कुछ वक्त पहले ऐसा नहीं था और उस वक्त में विराट कोहली का साथ दिया था हमारे MS धोनी ने, जो कि आप जानते हैं MS धोनी अपने एक कूल टेम्परामेंट के लिए जाने जाते हैं, जल्दी से जो है हाइपर नहीं होते, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो MS धोनी बखूबी जानते हैं। तो विराट कोहली ने अभी हाल ही में इस चीज को डिस्क्लोज करा है कि भाई मेरे बुरे वक्त में, यानी जब मैं खराब फॉर्म से जूझ रहा था, मेरी डिबेट्स हर न्यूज चैनल में थी, हर कोई मेरी फॉर्म पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहा था, उस टाइम पे माही भाई ने मुझे एक ऐसी सलाह दी जिसकी बदौलत आज मैं इतने अच्छे फॉर्म में हूँ, जिसकी बदौलत मेरी चर्चा तो होती है टेलीविजन पे लेकिन वो खराब फॉर्म के वाली नहीं, अच्छे फॉर्म वाली चर्चा होती है। तो क्या कुछ विराट कोहली ने कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लगातार एशिया कप से कूट रहे हैं रन, जी हाँ बिल्कुल, लगातार एशिया कप में आप जानते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ उनका 71वां शतक आया था, बहुत ही शानदार वो शतक था और बहुत ऐतिहासिक दिन था, वो इतिहास के पन्नों में आई एम श्योर वो दिन जो है लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि उस दिन विराट कोहली का 71वां शतक आया था जिसकी हम मनोकामना कब से मांग रहे थे, 2019 से हम लोग ये मांग रहे थे, नवंबर 2019 से हम लोग प्रे कर रहे थे कि भाई कब जो है विराट के बल्ले से हमें 71वां शतक देखने को मिलेगा। और तब से यानी एशिया कप से और अभी तक वर्ल्ड कप तक उनका बल्ला मतलब चुप ही नहीं बैठ रहा है, बोले जा रहा है, चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, मतलब इतना बोल रहा है कि पूरी दुनिया अब उनके बल्ले को कान लगाकर सुन रही है। कोहली को धोनी का विराट संदेश, केवल एक शख्स था जिसने सही में मुझसे बात की, वो MS धोनी थे। मैं काफी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि जो प्लेयर मुझसे सीनियर है और उसके साथ मेरा रिलेशनशिप और बॉन्ड इतना ज्यादा बेहतरीन है, हमारे बीच आपस में काफी अच्छी समझ है और हम एक दोस्त से कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपने मैसेज में मुझसे यही कहा, जब आपसे मजबूत होने की उम्मीद की जाती है तो फिर लोग पूछना भूल जाते हैं कि आप कैसे हैं। मैंने हमेशा उस व्यक्ति की तरफ देखा जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मानसिक रूप से काफी मजबूत हो और किसी भी हालत से बाहर निकल सके। तो देखा आपने विराट को जो सलाह दी गई MS धोनी के द्वारा, MS धोनी थे जिन्होंने उनको मैसेज करा था पर्सनली और उसका बखान जो है विराट कोहली ने अभी रिसेंटली करा था। T20 वर्ल्ड कप में भी है टॉप स्कोरर, बिल्कुल देखिए T20 वर्ल्ड कप 2022 में अगर कोई इंसान चल रहा है, कोई प्लेयर अगर इंडिया का चल रहा है तो वो और कोई नहीं, वो विराट कोहली ही है, किंग कोहली है, टॉप स्कोरर है अभी इंडिया की तरफ से। और आप जानते हैं कि 1000 रन्स का आंकड़ा भी उन्होंने अभी पूरा करा था, तो बहुत शानदार जो है फॉर्म में नजर आ रहे हैं विराट कोहली। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि कितने जलवे बिखेर चुके हैं विराट कोहली। देखिए इस T20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट कोहली इन्होंने 5 मैच खेले हैं जिसमें 246 रन्स इन्होंने बनाए, औसत की बात करें तो 123 का इनका औसत यानी एवरेज है, स्ट्राइक रेट देखिए 138.98 की शानदार स्ट्राइक रेट से इन्होंने 246 रन्स बनाए हैं, 3 बार 50 जड़ चुके हैं किंग कोहली। फोर्स की बात करें यानी चौकों की बात करें तो 21 चौके और 7 छक्के इनकी पारियों में शामिल थे। तो ये थे विराट कोहली और ये कुछ सलाह दी थी MS धोनी ने, जिनकी बात जो है विराट कोहली के अभी भी कानों में गूंज रही होगी, जिनकी वजह से शायद विराट कोहली इस फॉर्म में आ पाया और इनकी दोस्ती की चर्चा हर जगह होती, काफी अच्छा बॉन्ड इनके बीच में हमें देखने को मिलता है। अभी तो देखिए MS धोनी ने संन्यास ले लिया है लेकिन जब MS धोनी खेलते थे इंटरनेशनल तब इन दोनों के बीच में जो जोड़ी थी वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। अब कमेंट्स के जरिए आप बताइए कि विराट से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं और विराट के इस विराट फॉर्म में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, विराट और धोनी दोनों बुरा मान जाएंगे, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।